Hello my dear students, welcome back to English literature class. Students, we started doing chapter number 16, A Midsummer Night's Dream, written by William Shakespeare. And this is part 2 of the story. I have already sent you two videos today, reading from page number 134. Fine. Earlier that night, Puck has come across a clown who was lost in the woods, and he had magically placed a donkey's head over the clown's. The clown, unconscious of it, wandered and went towards the bower where the fairy queen slept. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो हमारी फेरीज के किंग है ओबेरॉन, उन्होंने पक को भेजा था किस चीज़ के लिए, कि जो पक ने मिस्टेक की थी, उसने डिमेट्रियस की जगह लाइसेंडर की आइस में वो जूस डाल दिया था. तो अब वो बोलते हैं कि उन्हें एक और फ्लावर का जूस लेना चाहिए जो कि पिछले वाले फ्लावर के जूस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे. ठीक है, तो पक को ये ड्यूटी मिलती है और उसी रात पक को एक क्लाउन मिलता है हु वॉज लॉस्ट इन द वुड्स, जो कि वुड्स में खो गया था, फॉरेस्ट में. ठीक है, एंड ही हैड मैजिकली प्लेस अ डोंकीज हैड ओवर द क्लाउन्स. और पक का तो हमें पता ही है कि वो एक मिस्चीवियस फेरी है. तो पक क्या करते हैं, पक उस क्लाउन के हेड के ऊपर एक डोंकी का हेड लगा देते हैं मैजिक से. द क्लाउन अनकॉन्शियस ऑफ इट, क्लाउन को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता और वो वुड्स में घूमने लगता है. एंड वेंट टुवर्ड्स द बॉवर, और वो कहाँ पे चला जाता है, फेरी क्वीन के प्राइवेट रूम में, बॉवर में चला जाता है. नाउ रीडिंग ऑन द मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज. Oh, what angel is that I see? said Titania, opening her eyes and the juice of the little purple flower beginning to take effect. Are you as wise as you are beautiful? अब क्या होता है, जो फेरी क्वीन है उसकी आइस के ऊपर वो इफेक्ट था लव इन आइडलनेस जूस का. तो जब वो उठी तो उन्होंने फर्स्ट चीज़ क्या देखी, उस क्लाउन को देखा. एंड यू नो शी फेल इन लव विद दैट क्लाउन, और उसको उससे प्यार हो जाता है. तो अब जो फेरी क्वीन है वो उस क्लाउन को बोलती है कि क्या तुम इतने ही, जितने सुंदर दिखते हो तुम इतने ही अच्छे हो, इतने ही ज़्यादा तुम वाइज हो. वाई मिस्ट्रेस, सेट द फुलिश क्लाउन, इफ़ आई हैव विट इनफ टू फाइंड द वे आउट ऑफ दिस वुड, आई हैव इनफ टू सर्व माई नीड्स. तो अब जो क्लाउन है वो पूछता है कि तुम, मतलब मिस्ट्रेस, आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रही हैं. तो वो मतलब फेरी क्वीन को बताता है कि उसे सिर्फ इस फॉरेस्ट से बाहर जाने का, मतलब रास्ता पता करना है. तो अगर वो उसे ये रास्ता बता दे तो उसके लिए काफ़ी होगा. Please do not desire to go out of the woods, said the passionate queen. I am the queen of the fairies and I love you. Come with me and I'll ask my fairies to attend upon you. तो अब जो वो क्वीन होती है वो उस क्लाउन को बोलती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से जाने की बात मत करो, क्योंकि उसको तो उस क्लाउन से प्यार हो गया था. तो वो उसे बताती है कि वो फेरीज़ की क्वीन है और वो उस क्लाउन से प्यार करती है. और वो उस क्लाउन को बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ तो मेरी फेरीज़ जो हैं वो तुम्हें अटेंड करेंगी, दैट मीन्स वेलकम करेंगी. शी देन कॉल्ड फोर ऑफ हर फेरीज़, तब जो फेरी क्वीन है वो अपनी चार फेरीज को बुलाती है. फीड हिम ग्रेप्स एंड एप्रिकोट्स एंड स्ट्रोक्ड हिज फेस, तो अब वो उसकी बहुत अच्छे से उसको सर्व करती हैं, उसको ग्रेप्स एप्रिकोट्स खिलाती हैं और उसका जो फेस होता है वो पूरा भर देती है चीज़ों से. द क्लाउन वॉज इलेटेड बाय द फेरीज, अब वो क्लाउन बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी ये इतनी ज़्यादा, मतलब सर्विस को देख के. एट व्हाट ही वॉज गिवन एंड सून ही फेल अस्लीप, और वो सारा कुछ खा लेता है जो उसको फेरीज देती है, और तब उसके बाद जो क्लाउन है वो सो जाता है. When Oberon saw the clown sleeping beside his queen, he came forward and reproached her for lavishing her affection for a donkey. This she could not deny as the clown was then sleeping right there. अब वहाँ पे ओबेरॉन आता है और वो देखता है कि क्वीन के पास वो क्लाउन सो रहा था. ठीक है, तो ओबेरॉन उसको, मतलब ओबेरॉन रिब्यूक
टाइटानिया, तो वो उसको मतलब बहुत अजीब तरीके से बोलता है कि वो एक क्लाउन उसके मतलब बॉवर में क्या कर रहा है, क्यों सो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देखकर वो मना नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि उसको उससे प्यार हो गया था क्वीन को, ठीक है। दिस शी कुड नॉट डिनाई बिकॉज द क्लाउन वॉज स्लीपिंग राइट देयर। ओबेरॉन टीज्ड हर फॉर सम टाइम, देन अगेन ही डिमांडेड द चेंजलिंग बॉय। अब जो ओबेरॉन हैं वो तो ये चाहते ही थे कि ऐसा हो ताकि वो फेरी क्वीन को शर्मिंदा करके उनसे अपनी बात मनवा लें। तो जो ओबेरॉन है वो फेरी क्वीन का फन करने लगते हैं, मतलब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं इस चीज़ के लिए, और वो फिर से उसके आगे क्वीन के आगे डिमांड करते हैं चेंजलिंग बॉय को उसका पेज बनाने के लिए। विच शी डिड नॉट डेयर टू रिफ्यूज़ हिम एज शी वॉज अशेम्ड ऑफ बींग डिस्कवर्ड बाई हर लॉर्ड विद हर न्यू फेवरेट। अब वो उसे मना नहीं कर पाई जो क्वीन है, क्योंकि मतलब वो इस चीज़ के लिए शर्मसार हो गई थी कि वो अपने लॉर्ड को छोड़ के मतलब उसका कोई और न्यू फेवरेट बन गया है, ठीक है। ओबेरॉन हैविंग दस ऑब्टेन्ड द लिटिल बॉय एज हिज पेज टुक पिटी ऑन द डिसग्रेसफुल सिचुएशन, थ्रू सम ऑफ द जूस ऑफ द अदर फ्लावर इनटू हर आईज, एंड द फेरी क्वीन इमिडिएटली रिकवर्ड हर सेंसेस एंड वॉज अशेम्ड। Oberon took the donkey's head from off the clown and left him to finish his nap with his own fool's head upon his shoulders. See students, अब Oberon क्या होता है, मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो चेंजलिंग बॉय को अपना पेज बना लेता है, ठीक है। और उसको मतलब टाइटानिया के ऊपर बहुत तरस आता है, ही फेल्ट पिटी ऑन हर, और वो जो मैजिक जूस है, एक और मैजिक जूस जो उस इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकता था, तो वो क्वीन के आइस के ऊपर वो वाला जूस डाल देता है, तो जो क्वीन है वो दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा अशेम फील होती है इस चीज़ के लिए। और ओबेरॉन अब क्या करता है, जो क्लाउन है उसके सर पे से डोंकी का हेड निकाल देता है, ठीक है, और उसको उसी के सर के साथ सोने देता है, ठीक है। दैट मीन्स अब जो क्लाउन था वो भी अपनी रियल फेस में आ गया था, ठीक है। स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।